हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रीति तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हादर डिग्री कॉलेज। मैं आज आपके सामने में 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट से लेकर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आपको IMP क्वेश्चंस बताऊंगी। आपको पूरा आइडिया दूंगी कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि आप 2 साल से एग्जाम्स फेस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सेकेंड जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसके लिए भी 10 मार्क्स हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ के लिए भी 10 मार्क्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भी 10 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 20 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स इशू एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, इसमें डिवेंचर्स भी आपका सम्मिलित रहेगा। तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना रहेगा, कंपनी पर, क्योंकि ये 20 मार्क्स का मार्क्स के क्वेश्चंस दे रहा है हमको, है ना। इससे आपके सब टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। MCQ भी 7 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क्स का 1 आ रहा है और 4 मार्क्स का भी 1 आ रहा है। इसके बाद बचता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसके लिए 12 मार्क्स हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8। इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स हो रहे हैं 80। जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा उसमें से 80 मार्क्स का आपको पेपर आएगा एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनवाया जाएगा स्कूल में, तो आप वो अच्छे तरीके से सबमिट करें जिससे आपको पूरे 20 मार्क्स मिले। वो आपके परसेंटेज स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए दिए गए हैं, जो 2 नंबर का है। इसमें सबसे फर्स्ट आएगा व्हाट इज द मीन बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं, तो हम इसके लिए देखते हैं। जैसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं वो आर दोज कंसर्न हुज एम इज नॉट टू बिजनेस, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये सिर्फ व्यापार, मतलब दूसरों को वेलफेयर्स के लिए काम करते हैं। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, तो जैसे हॉस्पिटल होती है अपनी, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं, ये सब जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये सब आपको और में मिलेगा। अच्छा, हर एक क्वेश्चन, जैसे आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट मिलेगा उसका और भी मिलेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट IMP रहेंगे। फिर है राइट 4 आइटम्स ऑफ द इनकम ऑफ नॉन बिजनेस एंटिटीज। अब जो इनकम ऑफ नॉन बिजनेस एंटिटीज है, इनके 4 इनकम के आइटम्स बताने हैं। तो इसमें हमारा आएगा एक चैरिटी एनुअल एंट्री फीस, फिर इसके बाद डोनेशंस होता है हमारा, जो एंट्री फीस होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स मानी जाती हैं। वॉट इज, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, जिसको सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, हिंदी में चंदा बोला जाता है। जब कोई भी मेंबर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेते हैं तो वो कुछ डोनेशंस देते हैं, है ना। और ये डोनेशंस जो होते हैं ये NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बिसाइड एंट्री फीस, डोनेशंस, ये सब दिए जाते हैं। जो सब्सक्रिप्शन रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द मेंबर्स, जो मेंबर्स पेड करते हैं। अब ये किस किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो ये मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, और चाहे तो ईयरली भी पे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक का आपको अथवा मिलेगा, तो ये अथवा का क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी फंड। फिक्स लाइबिलिटी फंड या जिसको बोला जाता है स्थिर दान कोष क्या होगा,
स्थिर दान कोष जो होता है वो जनरली ये वो अमाउंट होता है जो मेंबर्स एक बार दे देते हैं। ये ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है जिससे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत हो जाए, है ना। और ये अपना जब दिया जाता है तो एक ही बार दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको बार बार देंगे, जैसे डोनेशन वगैरह बार बार दिए जाते हैं, लेकिन ये जो फंड है ये एक ही बार दिया जाता है। इससे एनपीओ की आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत हो जाती है, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, एंडोर्समेंट फंड, है ना, एंडोर्समेंट फंड भी बोला जाता है इसको। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको एक बात बताऊं, आपके पास जितने भी बुक्स में डिफरेंस दिखे सारे डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं जितना ले पाई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको एक सैम्पल पेपर की तरह बता रही हूँ ये पेपर, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस लिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ डिफरेंस जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कभी हमको डिफरेंस मिले तो हमको वो डिफरेंस जरूर याद कर लेने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है ये जो एक अपना रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट होता है। पहले मैं रिसीव्ड पेमेंट बताया करूंगी और फिर मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर बोलूंगी, है ना। तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। फिर इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस देखें, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन, जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बुक के आधार पे बनता है, और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होता है वो जो होता है वो रिसीव्ड और पेमेंट के बाद में बनता है। तो ये सेकेंड डिफरेंस है। अब इसके बाद में इनके जो आइटम्स है वो भी चेंज रहते हैं, इसमें ऑल रिसीव्ड लिया जाता है और इस डीआर साइड में पेमेंट्स लिए जाते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर्स में इनकम और एक्सपेंडिचर्स लिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब एक और डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो होते हैं वो प्रॉफिट वाली जो संस्थाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ठीक है, जिनको एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। ये संस्थाएं जो होती है लाभ कमाने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड डिफरेंस देखें तो इनका उद्देश्य क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो बनाएंगे उनका उद्देश्य होगा पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, संस्थाएं बना रही हैं, उनका उद्देश्य होगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, अपने प्रॉफिट को अधिकतम करना। जैसे आप देखो हमने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस निकालेगा, और उसका उद्देश्य क्या होगा कि मरीज जल्दी से अच्छे हो जाएं। और इसी तरीके से अगर कोई व्यापार करने वाली संस्था है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, अपने लाभ को अधिकतम करना, है ना। अब इसके बाद हम अगर डिफरेंस की बात करें तो ये अपनी पूंजी को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं, अगर बच जाए तो ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, पूंजी को बहुत ग्रोथ नहीं करना चाहते, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उनका मेन उद्देश्य, मेन मोटो क्या होता है, अपने कैपिटल को इंक्रीज करना, अपने वेल्थ जो संपत्तियां हैं उनको बढ़ाना होता है। फिर ये किसके बेस बनता है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो होता है वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पे बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो किसके आधार पे बनेगा,
प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ट्रायल बैलेंस के आधार पे। आप लोगों ने 11th में देखे होंगे है ना, फाइनेंशियल अकाउंट जब बनाया होगा एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस जब अपन पहले ट्रेडिंग अकाउंट फिर PL और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस के आधार पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में वेरी शॉर्ट आंसर के सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, मतलब दो नंबर का क्वेश्चन आपको कितना मिलना है, एक ही मिलेगा। राइट अ डिफरेंस ऑफ द पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हमको यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत एक डेफिनेशन देने बोला गया है, तो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी देम एक्टिव ऑफ ऑल। अब यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप वो एक फर्म या फर्म बनाना है जिसके अंतर्गत सभी पार्टनर्स आपस में एक साथ मिलकर एक रिलेशंस बनाते हैं, जिसके लिए कम से कम 2 persons होना चाहिए, एग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए, ठीक है। और उस बिजनेस को चाहे तो वो सब भी चला सकते हैं या उन सब की ओर से कोई एक भी चला सकता है। ओके, एक अच्छे से डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए इसके, क्योंकि जहां पर पार्टनरशिप आएगा वहां पर उसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। फिर है व्हाट इज द मेन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से बोला जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑन बेसिस ऑन विच द फर्म इज फॉर्म्ड। जब बनती है तब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। द फर्म जब जो भी अपने टर्म्स और जो भी कंडीशंस होती हैं उनको शुरू में ही समझ लेती है, बना लेती है। अच्छा, ये लिखित में भी हो सकती हैं और ओरली भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में ओरली भी पार्टनरशिप डीड जो है वो वैलिड होती है। अब ये जो एक लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है विच डिफाइन, ये हमको कंडीशंस और टर्म्स को, जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगी उनको बताता है, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इसी का एक और नाम होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो वो अपने बीच में सारी टर्म्स और कंडीशंस को लिख के रखते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ आंसर्स हल्का हल्का एक्सप्लेन करते चल रही हूँ कि आप लोगों को जब आप उसको पढ़ें और सुने तो समझें तो आपको इजीली समझ में आए। अब इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर के लिए एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का रहेगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए जो है वो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो क्या डिफरेंस होते हैं, अब देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स हम अगर देखें तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है इसमें आपका जो अकाउंट्स बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। के आधार पर आपके 2 प्रकार के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के आधार पर आपके जो अकाउंट्स बनते हैं वो एक ही अकाउंट बनता है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस। अब इसमें जो बैलेंस होते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, तो जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें पूरे के पूरे एंट्रीज ली जाती हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से संबंधित एंट्रीज होती है ना वो सारी एंट्रीज चलती है। और अपन जो बनाएंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उसमें हम सबसे पहले एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें कैपिटल का बैलेंस रहेगा,
और उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में जो बची हुई कैपिटल के अलावा की हैं वो एंट्रीज ले लेंगे, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है उसमें अपन जितनी भी हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल से संबंधित एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज ले लेंगे। ठीक है, अब ये दो प्रकार के डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद मैंने एक सेकेंड डिफरेंस लिया है, राइट द रूल्स डेट अप्लाइड इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है जब नहीं बनी होती, अभी मैंने आपको ऊपर में एक क्वेश्चन बताया था कि पार्टनरशिप डीड मतलब एक उनका लिखित समझौता, जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती है तो वो अपना एक लिखित समझौता बनाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो रूल्स बताइए जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है पार्टनर्स ने तब क्या रूल्स अप्लाइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे फर्स्ट जो एब्सेंस में जो रूल्स अप्लाइड होंगे उसमें सबसे फर्स्ट आएगा इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है अगर पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड बनी है अगर उसमें लिखा होता है तो ही देते हैं। अगर उनने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई एब्सेंट से तो वहां पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होता है। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा बटेगा? इक्वली बटेगा। ओके, थर्ड है रिम्यूनरेशन। किसी प्रकार का किसी भी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, मतलब ना सैलरी ना बोनस ना कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कोई भी किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना पे करना होगा, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं होगा। फिर है फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। हाँ, यहाँ पर एक आप ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स लोन दे रहे हैं उस पर कितने परसेंट की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 6% पर एनम। ये ध्यान रखना, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पेड होता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में सब में आता है। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर्स थर्ड रिटायरमेंट एंड डेथ से है। इसमें भी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशंस ऑफ गुडविल। गुडविल की डेफिनेशन बताइए। अब गुडविल की जो डेफिनेशन होती है इसके लिए अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकनॉटन, मैकनॉटन ने जो डेफिनेशन दी है वो बोल रहे हैं कि गुडविल इज अ थिंग विच इज इजी टू डिस्क्राइब बट डिफाइन डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसको डिस्क्राइब करना तो इजी है पर इसको डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। अब डिफाइन करना क्यों नहीं इजी है? क्योंकि इसको कम शब्दों में, जब डिफाइन करते हैं तो हम कम शब्दों का यूज करते हैं, तो इसको बहुत छोटे से शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि गुडविल क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एग्जाम्पल्स भी लेने पड़ते हैं। अब देखिए, इट इज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम रेपुटेशंस इन कनेक्टिंग ऑफ बिजनेस। एक ये जो गुडविल होती है ये एक रेपुटेशन से संबंधित होती है ना। इट इज द वन थिंग्स विच द डिस्टेंस एन ओल्ड बिजनेस एंड द न्यू बिजनेस। एक ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस में जो डिफरेंस दिखता है हमको वही गुडविल होता है। आप देखिए, जो 5-10 साल से कोई बिजनेस चल रहा है और कोई अभी अभी स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है तो उनमें डिफरेंस दिखता है। नाम से हम जाते हैं किसी भी जगह पर तो वो क्या होता है, वो गुडविल का इफेक्ट होता है। इसको धीरे धीरे कमाया जाता है, जितना ओल्ड बिजनेस होता है उतनी गुडविल बनती है। गुडविल इज अ कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ द एलिमेंट्स, इट्स डिफर इन कंपोजिशंस इन डिफरेंट ट्रेड। हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और ये एक प्रकार का मतलब, मैं अगर सिंपल सी प्रसिद्धि, जब हम अच्छा काम करते जाते हैं बिजनेस में तो हमको एक प्रसिद्धि मिलती है, वही प्रसिद्धि गुडविल कहलाती है। ओके, व्हाट इज मेड बाय
हिडन गुडविल, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, वेरी शॉर्ट में है तो आपको कम ही लिखना है. देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपको शब्द लिमिट में बोला गया है 30 शब्द, मतलब आप समझ लीजिए 2 या 3 लाइनें. ओके, तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देने की कोशिश करें. मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हल्का हल्का एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. आप भी 7-8 महीने से अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. अगर कहीं कुछ मिस हुआ होगा तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना. अब हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल को हम छिपी हुई ख्याति भी बोलते हैं. हिडन गुडविल, इट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल डेट इज नॉट मैंशन एट द फॉर्म ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब पार्टनर हमारी फॉर्म में एडमिशन लेता है तब हम जिस गुडविल को मैंशन नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल. इसका कैलकुलेशन भी पूछा जाता है कई बार, है ना. इट इज कैलकुलेट बाय द टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइजेशन वैल्यूज. कैपिटलाइजेशन वैल्यूज के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है ऑफ द फर्म एंड द वर्थ ऑफ द फर्म. मतलब जो हम जैसे नया पार्टनर आता है तो उसकी पार्टनर से उसके हिस्से से कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाली जाती है. कैपिटलाइजेशन कैपिटल वैल्यू निकाली जाती है और जो एक्चुअल वर्थ होती है फर्म के पार्टनर्स की जो टोटल होती है उससे माइनस किया जाता है. वो जो डिफरेंस होता है उसको हिडन गुडविल बोला जाता है. इसका कैलकुलेशन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट आंसर में डाला है तो मैं यहाँ पर ये मान रही हूँ कि इसका कैलकुलेशन वेरी शॉर्ट आंसर में, क्योंकि 30 वर्ड्स लिमिट रहेगी आपके 2-3 लाइन के आंसर में, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ. ये आपका अगर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग में आएगा तो फिर इसका हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए उनने लॉन्ग आंसर दिया ही नहीं है, है ना. हमको हर एक चैप्टर में ये भी देखना है कि वो वेरी शॉर्ट में डल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन में वो उसके लिए नंबरिंग दे रहे हैं. ओके, अब इसके बाद अगला है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप. शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे. डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड प्रॉफिट रेशियो. यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड जो गेनिंग रेशियो है वो है, है ना. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है? सबसे फर्स्ट हम देखें तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं मतलब अपनी जगह पर दूसरे पार्टनर्स को खड़े करने के लिए उनको अपना हिस्सा देना होता है. उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस, हिंदी में बोलेंगे त्याग. ठीक है, अब जैसे अगर हम सबसे पहले देखें सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स आउट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर्स इन अ फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर्स. जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर्स को दे रहे हैं, इसी को बोलेंगे कि वो अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं. अब गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो जब आप रिटायरमेंट हो रहा है तब पार्टनर्स जा रहा है तो आप कुछ उसके हिस्से को गेन कर रहे हो. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग अ पार्टनर्स इंक्रीज ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. जब रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो एक पार्टनर चला जाता है तो उसके हिस्से का शेयर्स भी जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनको मिलने लगता है, तो वो कहलाएगा उनके लिए गेन करना, मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है. ओके, अब अगर हम और डिफरेंस देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इट इज कैलकुलेट टाइम व्हेन अ न्यू पार्टनर्स, जब नया आता है, और इसको हम कैलकुलेट कब करते हैं? जबकि कोई पार्टनर या तो रिटायरमेंट लेता है या डेथ लेता है. डिफरेंस एक्चुअल में जब टेबल के साथ में बताया जाता है ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं बोलने में पहले सेक्रीफाइसिंग का बोल जाऊँ फिर गेनिंग का बोल जाऊँ, तो आपको ऐसा हो सकता है. इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से जो डिफाइन है उसको मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, है ना. तो ये एक क्वेश्चन था. एक मैंने डिफरेंस लिया है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड द सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? देखिए जब भी कोई संस्था काम करती है
तो उसको उस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट एवरेज हम मान के चलते हैं, जिसको सामान्य लाभ बोला जाता है कि इतना प्रॉफिट तो ये कमाएंगे। अब जैसे हमने बोला कि भाई 10% है इसका एवरेज प्रॉफिट, और हमने जब बिजनेस किया और हमने कमाया 12,000 रुपया, 10,000 से हमको मालूम था कि भाई इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10,000 रहता है, हमने कमा लिया 12, तो जो डिफरेंस है 2,000 वो हमने कैसे कमाया, सुपर प्रॉफिट कहला रहा है। ये व्यक्ति की अपनी सुपर पावर के कारण ही कमाता है वो। सुपर पावर मीन्स उसकी खुद की अपनी कुछ क्वालिटीज होंगी, उसका बिहेवियर, उसकी सर्विस, है ना, इन सब कारण से वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो एवरेज प्रॉफिट एक सिंपल से मैं आपको बता रही हूँ कि एवरेज प्रॉफिट इज अ सिंपल मीन्स इन अ एक्चुअल प्रॉफिट इन अ पास्ट फ्यू इयर्स में जो वो कमा रहा था वो है एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इज अ रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन द जो एक्चुअल उसने अचीव किया है उनके बीच का डिफरेंस। एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है अपना सुपर प्रॉफिट। एक एक क्वेश्चन भी आपका इसमें आईएमपी है ना, अच्छे से पढ़ लेना बच्चे लोग। चैप्टर नंबर 4 एंड 5, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी, अकाउंटिंग इश्यूज एंड फॉरफिचर्स ऑफ शेयर्स। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना। अब हम देखते हैं आगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो कि हमारा 10 मार्क्स का था। चैप्टर 4 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 मार्क्स वाले रहेंगे जो। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट इज द मीन्ट बाय ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? तो यदि हम देखें कि ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ पॉलिसी डेट इज टेकन ज्वाइंट ओवर द लाइफ ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स की लाइफ होता है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। द प्रीमियम फॉर सच पॉलिसी इज पेड बाय द फर्म, इसकी जो पॉलिसी जो होती है वो पेड कौन करती है, फर्म करती है ना। और जब कभी डिसोल्यूशन होता है तो इसको कैश करवाया जाता है और अकॉर्डिंग टू शेयर्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज द मीन्ट बाय द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? सामान्य संचय वो संचय होते हैं जो रिजर्व्स प्रॉफिट के अगेन बनाए जाते हैं, मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अगेन फर्म कुछ रिजर्व्स को सामान्य संचय में हस्तांतरित कर देती है, और इस पर जो अधिकार होता है वो पार्टनर्स का होता है। ओके, फिर व्हाट इज द मीन्ट बाय एनुटी। एनुटी मतलब हिंदी में इसको वार्षिकी बोलते हैं। अब वार्षिकी क्या होता है? द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरमेंट पार्टनर्स ऑन हिज रिटायरमेंट इन अ ट्रांसफर टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट। आउट ऑफ दिस अमाउंट एवरी ईयर अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड बाय द फर्स्ट डे अकाउंटिंग ईयर्स एंड इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द बैलेंस अमाउंट। क्या किया जाता है, जब एक पार्टनर्स रिटायर होता है तो उसके पैसे को एक एनुटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसमें साल के पहले एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि आपको इतना पे किया जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचता है उस पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट लगा के उसको आगे अगली इंस्टॉलमेंट में देने की प्रक्रिया चलती है। इसको हम बोलते हैं वार्षिकी, ठीक है, वार्षिकी विधि द्वारा पेमेंट किया जाना रिटायरमेंट के समय। अब इसके बाद है व्हाट इज द मीन्ट बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो हमारा पार्टनर है जिसकी मृत्यु हो रही है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम फाइनल अकाउंट्स, एक फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है मेमोरेंडम वाला, अंटिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, मतलब जिस डेट पर
पार्टनर्स की डेथ हो रही है, उस डेट तक एक मेमोरेंडम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं कि भाई फर्म की अभी की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करना रहता है हमको, है ना। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिसीज्ड पार्टनर है वो तो अब पैसा लेने के लिए आया है, कहेगा नहीं। तो जब अपन अपना एक नॉमिनी बनाते हैं जिसको जनरली बोलते हैं उत्तराधिकारी, तो वो उत्तराधिकारी को पेमेंट के लिए क्या क्या दिया जाए, तो सबसे पहले तो प्रिपेयरिंग अ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए जो पार्टनर था उसकी कैपिटल आएगी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, अगर उसको कोई सैलरी की बात हुई होगी इनकी डीड में तो वो सैलरी आएगी, अगर कोई कमीशन कोई बोनस ये सब आएंगे, और उसका जो अभी तक का जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है और जो उसका अकाउंट प्रिपेयर हुआ उस डेट तक का उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रहेगा वो आएगा। ओके, अब इसके बाद इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा एक, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है। देखिए अब यहाँ पर वैधानिक स्थिति मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसके एक स्टेटस होता है ना लीगल, वो चीज क्या हो रही है। तो सबसे पहले जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो सबकी सहमति से हो रहा होगा, सब लोग उस पर सहमत होंगे तो उसके आधार पर उसके रिटायरमेंट हो रहा होगा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है साझेदारी अधिनियम के अनुसार पुरानी जो साझेदारी होगी इनकी, जो ओल्ड साझेदारी है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और अब जो बचे हुए न्यू पार्टनर्स होंगे वो एक नई अपनी पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तीसरा रहेगा कि जो उत्तराधिकारी होते हैं, अगर मान लो यहाँ पर बात जो डेथ की देखी जाए तो उसके उत्तराधिकारी को पूंजी, उसमें उसके गुडविल और उसका कोई सैलरी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोनस अगर डीड में ऐसा कुछ होगा तो वो सब दिए जाते हैं। फिर इसके बाद है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो अब आगे फर्म के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसके लिए अब रिटायरिंग पार्टनर जो है वो जिम्मेदार नहीं रहेगा आगे वाले, लेकिन पास्ट में जो कुछ किए होंगे उनने काम उसके लिए वो वैधानिक रूप से उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने यहाँ पे एक वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया है कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रवि सोम और मंगल वाला आपके सामने में डिस्प्ले हो रहा है, तो बच्चे लोग ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बताइए, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंपनीज अकाउंट्स इश्यू एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, इससे 20 मार्क्स जो हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ध्यान रखें कि 20 मार्क्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 32 मार्क्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 20 मार्क्स अगर आपके इसमें आपने प्रिपेयर कर लिया ये चैप्टर एक, तो आपका अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाता है ना। इससे वेरी शॉर्ट आंसर के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, शेयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस दिया जाता है, वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलना, और एक होता है आपका जब कभी कंपनी का वाइंड अप होगा तो जो कैपिटल रिटर्न होगी तो वो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को पहले कैपिटल रिटर्न होती है। ओके, और दूसरी चीज़ है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा एक परसेंटेज वेट लगी रहती है जिससे वो डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वर्ड टू वर्ड अच्छे से याद करना आपका काम है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जो कंपनी की कुल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है।
ओके, वन यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर एंड द टोटल अमाउंट इज द शेयर्स आर कॉल्ड द शेयर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक कंपनी की टोटल पूंजी जो है वो 1 लाख रुपीज़ है और वो डिस्ट्रीब्यूट है 10 रुपीज़ वाले 10,000 शेयर्स में. तो यहाँ पर आपका जो 10 रुपीज़ होगा वो 1 शेयर कहलाएगा. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है डिफाइन कंपनी. कंपनी को डिफाइन कीजिए. और तो यहाँ पर मैं एक आपको कंपनी की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगी कि क्या होती है. सेक्शन 1 इंडियंस कंपनी एक्ट 1956 डिफाइन अ कंपनी. कंपनी फॉर्म्ड आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एडजस्ट कंपनी एंड एडजस्टिंग कंपनीज मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर एनी ऑफ द फर्म्स कंपनीज एक्ट. मतलब कंपनी वो होगी जो कंपनी 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, जिसने अपने आप को इसके अंतर्गत 1956 के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हो. ओके, व्हाट इज द मीन बाय इक्विटी शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं. शेयर्स टू टाइप्स के, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस. ऐसे शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे उनको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर्स बोलेंगे. एक्चुअल में कंपनी के जो रियल ऑनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन आर ओरिजिनल शेयर्स. इनको ओरिजिनल शेयर्स भी बोला जाता है. और पूरी रिस्क जो होती है वो इन्हीं शेयर्स की होती है. दे गेट डिविडेंड्स ओनली आफ्टर पेइंग द डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये तभी डिविडेंड देते हैं जब प्रेफरेंस शेयर्स के देने के बाद कुछ बचता है ना. और अगर मान लो नहीं बचता है तो ये अपने डिविडेंड भी पे नहीं कर पाते हैं. अगर इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है तो इनको कुछ मिलता भी नहीं है, इसीलिए इनको एक्चुअल मालिक भी बोला जाता है कंपनी के. व्हाट इज अ प्रोराटा अलॉटमेंट. अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, अगर कंपनी जो शेयर्स इशू करती है इनकेस उन पर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलॉटेड स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेशन. इन अदर वर्ड द डायरेक्टर्स एक्सेप्ट द एप्लीकेशन पार्टली. इन सच केसेस द एक्सेस ऑफ द एप्लीकेशन मनी इज अनयूटिलाइज अगेन द अमाउंट ड्यू टू द अलॉटमेंट एंड फ्यूचर्स कॉल्स एंड द ट्रांसफर टू एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट. अब जो क्या होता है जब कभी कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है तो उस पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ज़्यादा मांग लिए जाते हैं तो फिर एक प्रोराटा बनाया जाता है. इसमें कुछ शेयर्स को कुछ थोड़े से कम देकर उनकी जो एक्सेस अमाउंट रहता है उसको आगे चल के एडजस्ट किया जाता है. इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहता है. यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट थ्योरी क्वेश्चन ही दिए हैं. अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप ऐसे ही बताइए मुझे, तो मैं इसके प्रैक्टिकल्स जो मोस्ट IMP हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी. ओके, अब वॉट इज अ डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है, वेन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ द शेयर होल्डर्स इट्स कॉल्ड अ डिविडेंड. द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स वाइल दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स की रेट जो होती है वो उनके साथ में लिखी रहती है तो उनको उसी रेट से डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है. इनको जो बच रहा है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है ना. अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम डिफरेंस देखेंगे. ऑलमोस्ट मैंने जितने भी डिफरेंस और IMP हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर लिए हुए हैं. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व्ड कैपिटल. अब देखिए आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहली बात कि आगे पीछे वर्डिंग हुई है ना. कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल. अब कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले देखो कैपिटल रिजर्व. इट्स कैन बी
यूटिलाइज्ड ओनली इन रिटर्न ऑफ द कैपिटल लॉस, जो कैपिटल रिजर्व होता है इसका यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है, कैपिटल लॉसेस के लिए किया जाता है। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है, इट्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली द टाइम ऑफ द लिक्विडेशंस ऑफ द डेट कंपनी। एक्चुअल में ये जो हम अभी कुछ शेयर्स अभी इश्यू नहीं किए हैं या हमने कुछ कॉल अप नहीं किए और रोक के रखे हैं कुछ शेयर्स की राशि, तो वो जब कंपनी का वाइंड अप होगा तब वो ये कॉल अप करेंगे, तो ये रिजर्व कैपिटल है। ओके, इट इज सेकेंड है, इट इज सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो कैपिटल रिजर्व होता है ये प्रॉफिट के अगेन बनता है, जो कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं उसके अगेन बनाए जाते हैं प्रॉफिट में से बचाकर। तो ये जो है इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये जो रिजर्व कैपिटल होता है ना इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी डिफरेंस है ना। थर्ड लिया है मैंने, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, ये हमको पहले से रिसीव्ड रहता है। ओके, और ये वाला जो है हमारा रिजर्व कैपिटल, द अमाउंट ऑफ द रिसीव्ड कैपिटल इज नॉट रिसीव्ड टिल द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी समाप्त होगी तब इसको रिसीव्ड किया जाएगा, तब इसको कॉल अप किया जाएगा। ओके, ये एक डिफरेंस हो गया। अब सेकेंड डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिया है, फॉरफीचर्स एंड सरेंडर शेयर्स। फॉरफीचर शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी को कोई शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं देते हैं, वो कॉल अप करते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं, तो उनके शेयर्स को फॉरफीचर्स कर लिया जाता है। सरेंडर शेयर्स जो होते हैं वो खुद जो व्यक्ति के पास, जिस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, वो बोलता है कि भाई मैं अपने शेयर्स को सरेंडर कर रहा हूँ, है ना। अब इसे सबसे पहले देखिए, रिटर्न दिया है, नो रिटर्न इज गिवन, इसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं होगा जब फॉरफीचर्स कर लेगी, ये कंपनी कर लेती है फॉरफीचर्स, छीन लेती है, हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है, है ना। और सरेंडर में क्या होता है, शेयर होल्डर खुद बोलता है कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अब मैं नहीं रख पा रहा हूँ, मैं नहीं पेमेंट कर पा रहा हूँ आगे का। ओके, तो यहाँ पर कुछ उसको अमाउंट मिल सकता है। फॉरफीचर्स रूल्स आर द मेंशन इन टेबल ए, ये ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फॉरफीचर्स के रूल्स किस टेबल में बताए जाते हैं, तो फॉरफीचर्स के जो रूल्स होते हैं वो टेबल ए में बताए जाते हैं। सरेंडर के लिए ऐसा कोई टेबल नहीं बना हुआ है। इंफॉर्मेशंस, रिटर्न इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द कंपनी फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, रिटर्न में इंफॉर्मेशन देनी होती है कंपनी को। नो इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। राइट्स, कंपनी हैज राइट टू बी फॉरफीचर्स द शेयर्स, ये कंपनी का राइट्स बनता है कि अगर शेयर होल्डर्स प्रॉपरली पेमेंट नहीं करते हैं जब वो कॉल अप करते हैं तो वो फॉरफिटेड कर लेती है। सरेंडर इज डिपेंड अपॉन टू द शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स की इच्छा पर होता है कि वो सरेंडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं अब हम, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल से वर्ड में बताऊँ, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, डिवेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी के आउटसाइडर होते हैं, लोन देने वाले होते हैं, ऋणदाता, हिंदी नाम ही है उसका, ऋणदाता, ऋण देने वाला, ऋण जो है वो बाहरी व्यक्ति देता है। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनसाइडर होते हैं और डिवेंचर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं। शेयर इन अ यूनिट ऑफ द कैपिटल, ये कैपिटल की एक यूनिट होती है। डिवेंचर्स एक डॉक्यूमेंट्स लोन का होता है, ऋण का होता है। ओके, इस पर डिविडेंड दिया जाता है, इस पर इंटरेस्ट पे होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट्स होता है, इनको वोटिंग का कोई राइट्स नहीं होता है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर्स जो हैं वो सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये कई टाइप्स के होते हैं। पेमेंट, इनका पेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ कंपनी कभी नहीं होता है, इनका पेमेंट हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। इट्स प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस,
और ये क्या देते हैं, डिवेंचर्स लोन प्रोवाइड करते हैं, वोटिंग का राइट्स ने शेयर होल्डर्स को होता है, डिवेंचर्स होल्डर्स को वोटिंग का कोई राइट्स नहीं होता है। अच्छा ये जो आपने एक डिफरेंस देखा है बेटा, अगर कभी आपको शेयर होल्डर्स और डिवेंचर्स होल्डर्स का है तो इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके आप वो डिफरेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होता है, अभी इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका रेट डिविडेंड्स जो है वो कोई फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट डिफरेंस फिक्स्ड होता है जो इसके साथ लिखा रहता है जनरली सामने में। पेमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे होगा, अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इनको पहले मिलेगा प्रॉफिट से, है ना। फिर है लिमिटेड इनकम। अच्छा इनकी जो लिमिटेड इनकम होती है ये लिमिटेड नहीं होती है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो सब कुछ इक्विटी का हो जाएगा जितना बच गया, और प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम जो होती है वो फिक्स्ड होती है कि इतना ही मिलना है इनको। वैल्यू ऑफ द शेयर्स इनकी जनरली लेस होती है, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर जनरली लेस होती है, और प्रेफरेंस की जो होती है वो मोर होती है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज हाई होता है इनका, डिविडेंड का रेट हाई होता है, इनका लेस होता है। ओके अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ओके इसके साथ अपना डिफरेंस कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब हम फाइनल स्टेटमेंट देखेंगे, ये 12 मार्क्स का है, इसको जो दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन में वो 12 मार्क्स दिए गए, इससे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। वेरी शॉर्ट मतलब दो नंबर का है। व्हाट डू यू मीन बाय द करेंट असेट्स, करेंट असेट्स क्या होती हैं। करेंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनका वन ईयर में पेमेंट हो जाता है। ओके मतलब जो हमारी ऐसी एसेट्स जो वन ईयर में पेमेंट्स हो जाएं उनको हम बोलेंगे करेंट एसेट्स। कंटिंजेंसी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कंटिंजेंसी लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनके लिए, इनको हिंदी में संभव भी बोलते हैं, जिनका कोई भविष्य कोई फ्यूचर में कोई लाइबिलिटीज बनने पर उनका सामने में आना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, अंडर दैट हेडिंग, ये जो हमको क्वेश्चन है ये हेडिंग्स दी हुई हैं और इसको बैलेंस शीट में बताना है कि किस हेड के अंतर्गत आता है, इसका सब हेड बताना है। आपको सामने में दिख रहा है गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, है ना, और अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है, करेंट लाइबिलिटीज होता है जिसके लिए अभी मतलब क्लेम नहीं आया है। ये सामने में आपको सब दिख रहा है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, एज वेल एज जैसा ये दिया है ऐसे ही का ऐसे ही आपको हेडिंग और सब हेडिंग में इसी तरीके से इसको डालना रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। फिर है लूज टूल्स, करेंट असेट्स लोन एंड एडवांटेज करेंट असेट्स में जाएंगे, है ना, ये इस तरीके से आपको पूरा दिया हुआ है। फिर है एक डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, रिजर्व क्या होते हैं और प्रोविजंस क्या होते हैं। शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, रिजर्व इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर इंसिडेंट। रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होते हैं, इनको भविष्य के लिए बनाया जाता है। प्रोविजंस इज द अरेंजमेंट क्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के रखा जाता है, और प्री एज सर्टन लाइबिलिटीज, हमको पूर्व से पहले से मालूम होता है कि ये लाइबिलिटी हमारी आएगी। जैसे हम यहाँ पे देखें तो जो वो होता है डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन होता है, क्योंकि हमको मालूम होता है कि हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं ये एक टाइम बाद नहीं रहेगी, और इसके लिए हमको पूर्व से प्रावधान, हिंदी में प्रावधान बोलते हैं, वो बना के चलना पड़ता है। सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, दिस इज नो सर्टेनिटी इज अमाउंट, इसका कोई निश्चितता नहीं होती है रिजर्व की कि कितना, अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा रिजर्व्स निकाल लो, अगर नहीं हो रहा है तो भाई अभी कम निकाल लेते हैं बाद में देखेंगे, ये सर्टेन होता है। प्रोविजंस, अच्छा प्रोविजंस को इनकम टैक्स में भी बताया गया है कि आपको प्रोविजंस बनाना कंपलसरी है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस जो होता है उसको ग्रोथ मिलती है। भाई आपकी जो फिक्स एसेट से जब चली जाएगी तो आप कहाँ से लाओगे, तो इसलिए इनकम टैक्स वालों ने भी बोला है कि आप प्रोविजंस कंपलसरी बनाइए। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है इसको हम देखें यदि, तो ये हमारा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत सॉल्वेंसी रेशियो, क्षमता अनुपात जिसको बोलते हैं, वो एक क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है ना, इसको भी आप रीडिंग लगा लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, जिसमें रोकड़ की पूरी आना इनकमिंग इनफ्लो और आउटफ्लो बताया जाए, वो रोकड़ प्रवाह विवरण होगा, है ना, इसको भी आप अच्छे से देखिए। इसके बाद एक डिफरेंस मैंने लिया है यहाँ पर, करेंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको सामने में दिख रहा है, दोनों के फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम देखें कि ये जो है रिलेशनशिप, इट्स ओन द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़, ये करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच में बताता है। और ये जो है ये लिक्विड असेट्स के लिए हम यहाँ पर देखें तो अपना जो है वो जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उन चीज़ों को लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक आदर्श अनुपात बता रहे हैं, इसका आदर्श अनुपात होता है 2:1 और इसका होता है 1:1, और नीचे फॉर्मूला दिख रहा है, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट डिफरेंस है फंड फ्लो और कैश फ्लो में। फंड फ्लो एक टूल ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस डेट एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया जाता है, और कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये वाला डिफरेंस भी देख लीजिएगा। थैंक यू।